मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल की घटना, जो हृदय विदारक घटना थी, उस पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शांति की प्रार्थना की। जो शॉर्ट सर्किट या जिस कारण से भी आग लगी थी, उसकी तत्काल ACS होम और ES के अध्यक्षता में कमेटी बना के उसकी जांच के आदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए। 36 बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं, 4 हमारे बीच नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, वो हमारे संरक्षण में थे। घटना बहुत दुखद है, गलती जिसकी भी होगी, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 36 बच्चे बचाने में वहां के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जो मेहनत की, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल की घटना, जो हृदय विदारक घटना थी, उस पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शांति की प्रार्थना की। जो शॉर्ट सर्किट या जिस कारण से भी आग लगी थी, उसकी तत्काल ACS होम और ES के अध्यक्षता में कमेटी बना के उसकी जांच के आदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए। 36 बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं, 4 हमारे बीच नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, वो हमारे संरक्षण में थे। घटना बहुत दुखद है, गलती जिसकी भी होगी, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 36 बच्चे बचाने में वहां के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जो मेहनत की, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।